तुमम पड़सी, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे पढ़ा ही नहीं आएगा क्योंकि ये मध्यम पुरुष का है, तो आप बिल्कुल अच्छा है, आप सब लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, तुमम के साथ में पड़सी। हाँ, उसके बाद बाला, बाला माने लड़की, बाला हसई, बालिका या लड़की हंसती है ना, हसंती नहीं करेंगे क्योंकि एक ही लड़की के लिए है एक वचन स्त्रीलिंग में। उसके बाद पोथम, इधर भाई साहब, पोथम, सो पोथम वह पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है। लिखसी, लिखसी, लिखसी लगा के कोई भी छोटा सा वाक्य बना दो, है सो तो ते है ते, ते लेकिन लिखसी नहीं, ते लिखसी नहीं आएगा, ते बहुवचन का है। लिखसी माने होता है लिखते हो। अब किस वाक्य में आप बोलोगे, सी लगता है मध्यम पुरुष में, ठीक है, तो क्या बोलोगे लिखते हो के लिए? अब हिंदी बनाओ शुरू की, एक मिनट। लिखसी का अर्थ हो गया लिखते हो, तो अब इसको वाक्य जोड़ के बनाओ। अरे इनको बोलने दो ना, नंबर आएगा आपका। हिंदी में बनाओ, हिंदी में, हिंदी में पहले बोलो ना, तुम लिखते हो, क्योंकि लिखते हो के लिए ऑटोमेटिकली तुम अपने आप आ जाएगा, पहले तो हिंदी में सोचना है। अब उसके बाद तुम हम लिखसी, पहले हिंदी में देखना है कि वो अर्थ लिखता है नहीं आ रहा, लिखसी का मतलब लिखते हो, ठीक है। अब आपका नंबर चलह, राम चलह, ह किस में आएगा, पहले हिंदी बनाओ। नहीं नहीं देखो, दूसरी गलती निकालना आसान है, खुद भी गलती कर रहे हैं सब। चलह ह की हिंदी करो पहले। चलह ह, हा हा हा, अभी हमने लगाया था तुम दोनों के साथ में, हा कौन सा पुरुष, उत्तम मध्यम या अन्य, मध्यम में, तो हिंदी क्या बनेगी, मध्यम पुरुष में, हा किस में, देखो ये चार्ट याद करो आप, मी और मो, सी और हा, पहले इधर देखो, उसके बाद ई और अंतिम, ये चार्ट आप ध्यान रखो, ये है उत्तम पुरुष का, ये है मध्यम का, और ये है अन्य का। उत्तम का मतलब मैं, हम, और मध्यम का तुम, और अन्य का वह या नाम सबके। तो ह किस में आ रहा है, तो इसमें हिंदी क्या बनेगी, तुम के साथ में, हाँ आगे बोलो, तुम सब चलह चलते हो, तो वह चलता है नहीं बनेगा क्योंकि वो ई दी है। ये चार्ट आपको शुरू में ही, जैसे पेपर आपका शुरू हो तो कॉपी के पीछे ये छह वर्ड लिख लेना, ठीक है, जैसे मैंने 24 तीर्थंकर का बताया ना, क्योंकि माइंड में याद नहीं आएंगे, या तो पेपर पे लिख लेना इतना सा, कोने पे आप तुरंत लिख लेना पेपर शुरू होते ही, ठीक है, घर से लिख के नहीं जाना, ये आप छह शब्द हिंट में तुरंत लिख लेना, तो उसके बाद आपकी व्याकरण पूरी सॉल्व हो जाएगी। ऐसे दिमाग लगाओगे ना तो इतने अच्छे से आता है इनको, सारा पेपर सॉल्व कर लिया, लेकिन वो गलती हो सकती है, लिख लोगे तो नहीं होगी, नहीं नजर वजर नहीं लगाई, गलती हो जाती है, क्योंकि हमारी अभी पुरानी भाषा हो गई ना, तो टाइम लगेगा सीखने में, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जैसी आगे आपने तुरंत देख लिया, हा लिखा, अरे हा तो बहुवचन में लिखा था, बहुवचन में था, साथ में तुम तो आएगा ही आएगा, तो तुम का बहुवचन तुम दोनों या तुम सब हो जाएगा उसके पास, तो तुम ही हो जाएगा। उसके बाद सया, हाँ देखो बिल्कुल उतने ही लोग हैं जितने वर्ड हैं, सया, सब लोग ध्यान दो भाई, सया, नितिन भैया सया, सया माने सदा, हमेशा, सय माने है सोना, सया, सया माने सदा, आया है इसमें आपके हमेशा के लिए, देखो किताब में देखो ना भाई, ये देखो आप, ये दिखाए तो मैंने देखा है, ऊपर ऊपर लिखा है सर्वनाम में, इसमें लिखा है जो ये वर्ड लिखे हैं, ये आ रहा है अभ्यास दो में, घ में, सया माने सदा,
सदा माने हमेशा, रोज रोज डेली हम पढ़ते हैं। तो सया लगा के बाकी बनाओ भाई साहब। नितिन भैया हाँ, सच सच बोलने को बोल होती है, वैसे तो बोल भी होती है बोलने के लिए। वह इनका वाक्य हिंदी में बन रहा है, वह हमेशा सच बोलता है। बोल बोल बोलने की बोल भी होती है और कह भी हो सकती है, कहता है। कह माने कहना और बोल माने बोलना। बताओ, थोड़ी सी गलती रह गई, विभक्ति रह गई, विभक्ति। सो सया सच बोल ई। सो के साथ में क्या लगेगा? ये दी ई दी। और सच के साथ क्या लगेगा? खाली नहीं छूटेगा, सदा सत्य बोलता है। तो इसमें हिडन क्या है? को। तो क्या लग जाएगा कर्म आते ही? सच्चम। बोल ई या कह ई, कह दी भी हो सकता है ना, विभक्ति जरूर लगेगी। ठीक है, मूल शब्द खाली नहीं छूटेगा। तो या तो प्रथमा का है, इन्होंने वाक्य बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा, यहाँ पे जो अव्यय हमने बताया था, अब ये सदा वर्ड के आगे क्या लिखा है? अव्यय। अभ्यास दो में आप देखोगे अव्यय का मतलब, एक बार मुह सया ड, अव्यय का मतलब शुरू में बताया था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय में विभक्ति मत लगा देना। पता चला सया के ऊपर बिंदी लगा दी या सया के ऊपर? नहीं, अव्यय हमेशा वैसे ही रहेंगे। ड़ा है तो ड़ा रहेगा, ड़ो है तो ड़ो रहेगा। जैसे एथ है, तथ है, कथ है, ये सब जो वर्ड है ये सब अव्यय हैं। सया में सया ही रहेगा। ठीक है, अगला नंबर अथ। अथ माने यहाँ है, सब अव्यय हैं। अरे उनका नंबर है, अगले अगले क्वेश्चन में आएगा आपका अलर्म। अरे रुको, वो सबके में बोल रही थी तो उनको भी तो बोलना था अपने में। नहीं, आते हो कर दो आप, अभी आपने विधियम आज्ञा नहीं करा। आओ वाला शब्द कल बताया था, ऑर्डर वाला है या परमिशन वाला है, है ना? तो अभी आप वर्तमान में बना दो उसको, तुम यहाँ आते हो। आओ नहीं, आओ विधियम आज्ञा बन जाएगा। विधियम आज्ञा भी कराया नहीं ना भाग दो में। आओ मतलब परमिशन या ऑर्डर। ठीक है, अभी आप बना दो, तुम यहाँ आते हो या वह यहाँ आता है। बताओ कुछ भी इसकी प्राकृत हो। तुम हम अथ आने की आगच, हाँ मध्यम पुरुष में सी लग जाएगा। वह के लिए अगर बनाएंगे तो सो अथ आगच्छई। ठीक है, हाँ बिल्कुल, व्याकरण आप सबकी अच्छी है, वर्तमान काल अच्छा है। अरे भाई साहब, अभी एक हफ्ता भाग दो कराना है, भाग दो में सारा रिपीट होगा, फिर कंबाइंड पेपर होगा भाग एक और भाग दो का। ओपन बुक पेपर मैंने कह दिया है, कर सकते हो प्राकृत शब्दों का। हाँ देख रहा हूँ मैं, दे नहीं पाए तो अगले दिन दे देंगे। दो पेपर बनाए उन्होंने क्या? मंदिर मत जाना, पेपर दे देना। ऐसे कुछ नहीं है, ये तो एग्जाम है, इसमें कोई आप स्वाध्याय थोड़ी ना कर रहे हो, इसकी टेंशन नहीं लेनी। हाँ बाकी क्योंकि एग्जाम है, हाँ ये तो प्रॉपर नॉर्मल एग्जाम है। इसको जैसे इसमें बहुत बार उदाहरण आता है कि तत्वासूत का स्वाध्याय चल रहा है, ये चल रहा है, हम अगर सीख रहे हो तो उस दृष्टि से आप एग्जाम है। मान लो आपका एग्जाम पड़ गया, यूनिवर्सिटी का एग्जाम पड़ गया, उसी चीज़ का एग्जाम पड़ गया, तो वो एग्ज़ाम है, उसमें आप कि वो भाव नहीं बन रहे, वो तो आप बाहर जाके कर रहे हैं। पाई सिखा के कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं, ये तो ईजी है। ये सारा है अब आपका जो शुरू का ऐतिहासिक परिचय था, ये आपको खुद करनी है। कल भी तो आ रहा हूँ मैं,
कल भी आऊंगा और मैं भी सॉल्व करूंगा बैठ के आज, तभी तो बताऊंगा। मुझे भी तो सॉल्व करने दो। मैंने भी तो आज ही देखा ये। और क्या ये आपकी क्वेश्चन आंसर करेंगे ना ये? और कोई बात नहीं, कल भी एक क्लास लगेगी क्योंकि आज हम भी थोड़ा सा देख लेंगे और कोई गलतियां इसमें हैं तो अजय भैया से आज पूछ लेंगे, तो कल इसका सारा दोबारा से रिवीजन करेंगे जो जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें, ठीक है? ये सारा आपको करना है। उसके बाद ये बहुत आसान है, ये है ऐतिहासिक पर्चे वाले में से जो शुरू में दो तीन पेज दिए हैं, पाए सिक्खा के कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? मेरे ख्याल से 5 हो गए हैं, जब तक पता कर लेंगे। आपको 4 हैं तो 4 कर देना। वेद किस भाषा में लिखे हैं? हाँ ये सारा आपको उसमें से करना है, ऐतिहासिक पर्चे में से करना है। अब आप कहोगे ये पहेलियां इतनी सारी इसलिए हैं क्योंकि इनमें से कोई एक पहेली आएगी पेपर में, इनमें से कोई सी भी एक आ जाएगी। 3-4 हर बार दे रखी है ना उन्होंने पहेलियां बहुत बनाई हैं। नाटकों में आया है उसमें, नीचे लिखा है नाटकों में आया, उसमें वर्ड आया है, देखना आप प्रॉपर शॉर्ट से नहीं है। ऐनक का प्राकृत, ऐनक हाँ, चित्र देखकर उसका प्राकृत में नाम बताओ। अरे किसी को कोई चित्र पसंद मतलब पहचान में नहीं आ रहा हो? कौन सा एक कमल है? अच्छा इस कमल वाले में थोड़ा सा आप पीछे से चित्र देख लेना, दो कमल होते हैं, एक लाल और नीला, तो थोड़ा सा उसमें फर्क होता है, एक में पंखड़ी निकली होती है, एक पीछे से फोटो देख लो। अरे इसमें से देख लो ना, इसमें देख लेते हैं। एक मिनट झगड़ा नहीं, लाल कमल ऐसा है, हाँ दो हैं इसमें, एक थोड़ा वैसा है एक वैसा है, तो ये हमें लाल कमल लग रहा है देखने में, ठीक है? तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो हम कोशिश करेंगे कि कमल में से कोई सा भी लिख देना, सही मान लिया जाएगा। अगर कलर्ड आती है पेपर तो नीला रंग कर दिया तो नील लिखना है फिर, तो कलर्ड पेपर नहीं आता है तो दोनों चल जाएंगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इन्होंने, निम्नलिखित शब्दों की संख्या प्राकृत में लिखनी है ना, इंद्रिय प्राकृत में नहीं लिखना, कितनी इंद्रियां होती हैं, हाँ तो वो वर्ड प्राकृत में लिखना है। तिथियर तीर्थंकर कितने होते हैं तो वो लिखना है। द्रव्य दब्बम माने द्रव्य कितने होते हैं, हाँ देखो सबको बताया बहुत इंटेलिजेंट हो गए। आधा माने आत्मा, आत्मा कितनी होती है, देखो इसका दो वर्ड बन सकते हैं आत्मा के, अगर पूरे 3 लोग के हिसाब से देखेंगे तो अनंत अनंत, और अगर वैसे एक व्यक्ति के हिसाब से तो इसका सही आंसर अनंत अनंत बनेगा, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा कि आपकी आत्मा कितनी है, खाली लिखा है आत्मा, तो अनंत अनंत भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, मतलब ऐसा रहता है कई बार दो तरीके से व्यक्ति सोच रहा है तो गलत नहीं कर सकते हम, कोई सोच रहा है कि 3 लोग की आत्मा के बारे में, एक आधा आया तो एक आधा ही आएगा, तो ऐसे तो 7 लिखा उसके आगे, कोई कहेगा 7 आत्मा है। निम्नलिखित शब्दों की संख्या यानी कि ये कितने हैं, ऐसे तो आप कहोगे एक इंद्रिय आई है खाली, ऐसे नहीं, इंद्रिय 5 होती हैं। भावना कितनी होती है, 12 होती है। गति कितनी होती है, 4 गतियां होती है। पाप कितने होते हैं, तो इसके साथ में उन्होंने स्वाध्याय कराने की कोशिश करी है। आओ खेलें प्राकृत अंताक्षरी, हे भगवान बहुत अंताक्षरी हैं, ये सब अपने आप करना भैया। स वर्ड से प्रारंभ होने वाले तीर्थंकर, तीर्थंकरों की संख्या, अब यहाँ पे कह रहे हैं चिन्ह से तीर्थंकर का नाम नहीं लिखना, संख्या लिखनी है, चंद्रमा जो है कौन से नंबर के हैं, तो वो क्या लिखेंगे आप, 8, इस प्रकार से लिखना। बंदर,
बंदर, बैल, हाथी, घोड़ा, वानर, वानर का नंबर बताओ। चाऊ। चित्र में चिन्ह देखकर तीर्थंकरों के नाम, ये तो पहले भी आ गया। चलो हो गई आपकी, अब ये बहुत सारी वर्ग पहेलियां हैं इसमें। अब इसमें कल भी एक क्लास लगाएंगे, सारी जो इसमें अब करके लाना है, और जो गलतियां होंगी हम भी पूरा करेंगे आज बैठ के। ये इनका है भाई साहब का, हाँ इनसे गिर गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से हमने भाग एक करा है, और परसों सबका एग्जाम, जल्दी से अब टाइम बता दो परसों के लिए, अभी फाइनल कर लो। इनका है शाम 7 बजे, बाकी शाम, एक मिनट हाथ खड़ा करके सब सम्मति दे दो। ये परसों शाम को 7 बजे कह रहे हैं, परसों शाम को 7 बजे। बताओ क्या हुआ, क्या हुआ है ना? ठीक है, तो परसों शाम को, संडे है, परसों शाम को 7 बजे आप सबका एग्जाम होगा। उसको लिखा होगा शायद, 2 घंटे का है, मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करूँ।